बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। फाइव क्लास आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4C, क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इसकी बुक्स अपनी ओपन करें और बुक से पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 ओपन करें और वहां से है क्वेश्चन नंबर 9। जी क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट वो ये है, इसमें है चेंज दीज फ्रैक्शंस इंटू परसेंटेजेस। जो नीचे आपको फ्रैक्शंस नीचे नज़र आ रही हैं, कहते हैं इन्हें परसेंटेज में चेंज करें, राउंडिंग ऑफ योर आंसर्स। कहते हैं अपने उसके बाद जो आंसर्स आएंगे उन्हें आपने राउंड ऑफ करना है। टू डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी, कहते हैं आपने उनके पॉइंट के जो हैं वो अपने टू डेसिमल प्लेसेस तक उन्हें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जी अब ये देखें, मैं आपको ये क्वेश्चन समझाने के लिए इसका पार्ट नंबर ए जो है वो मैं ले रही हूँ आपको समझाने के लिए, वो है 2/7 of 100। तो बच्चे हम इसे इस तरह से राइट करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो है वो हम इस तरह से करेंगे। देखें इधर, जी 2/7 of की जगह आप मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये 100। बच्चे ये 100 जो है ना, ये किसे शो करेगा, ये परसेंटेज जो है ना इसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे 100 जो है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, परसेंटेज को। जी अब इस फ्रैक्शन के लिए हमने मल्टीप्लाई किया इसे 2/7 × 100। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। जी 100 को जब 2 से 5 क्लास मल्टीप्लाई करते हैं, 100 2 are 200, ये तो बहुत इजी है। जी इसके बाद क्या आएगा, 7। अब 7 जो है बच्चे क्या करेगा, 200 को डिवाइड करेगा। ये मैं आपको एक साइड पे यहाँ पे डिवाइड करके बता रही हूँ। और एक बात बच्चे, इसकी डिवीजन जो है ये कंप्लीट नहीं होगी। अब यहाँ इधर जो है वो जब राउंडिंग का उन्होंने राउंड ऑफ करने की बात की है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि राउंड ऑफ हम तभी करते हैं अपने डेसिमल नंबर को जब वो कंप्लीट उनकी डिवीजन ना हो रही हो। तो अब ये देखें, जैसे 200 है, इसे हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 7 के साथ। जी 7 2 are 14, 2 यहाँ से हमने 2 से कैरी लिया 10 के साथ, यहाँ 0 के साथ, तो क्या बन गया 10। 10 में से 1 कैरी हमने यहाँ से कैरी लिया 1, तो 0 के साथ मिलेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जी 6, ऊपर से आ गया 0। अब 7 का टेबल हमने वहाँ तक काउंट करना है जो या तो 60 है या फिर उससे कम। तो 60 तो 7 के टेबल में आ नहीं सकता, उससे कम ही लेंगे हम। तो बच्चे 8 7 are 56, जी 56 यहाँ से कैरी लेंगे हम 1, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से हम 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4। फिर पॉइंट हम यहाँ पे लगाएंगे और ये 0 हमने लगा दिया, 40। अब 7 का टेबल हमने वहाँ तक काउंट करना है, यहाँ तो 40 आई उससे कम, तो 40 तो बच्चे आ नहीं सकता, उससे कम ही आएगा। तो हम इसे करेंगे जी 5 7 are 35। फिर इसके बाद यहाँ से कैरी लेंगे तो क्या आएगा, 10। 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। और फिर जब एक दफ़ा हम पॉइंट, बच्चे एक बात गौर से सुन ले मेरी फाइव क्लास, जब एक दफ़ा हम पॉइंट ऐड कर लेते हैं अपने डिवीजन की तरह आंसर में, तो फिर बार बार वहाँ पे ज़ीरो, जब हमें ज़ीरो की ज़रूरत होती है तो बार बार पॉइंट हम ऐड नहीं करते, ना ही ज़ीरो राइट करते हैं, फिर ज़ीरो हम खुद से ही राइट करते जाते हैं 50। तो इसके बाद जी 7 7 are 49, 1। फिर 7 1 are 7, तो फिर क्या आ जाएगा, 3। और ये बच्चे प्रोसेस जो है ये चलता रहेगा, सो ऑन, ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें सिर्फ जो है वो ज़रूरत है 2 decimal places तक। तो हमने कहाँ तक डिवाइड किया है, 3 decimal places तक, क्योंकि 2 में हम तभी चेंज कर सकते हैं जब हमारे पास 3rd प्लेस उसकी मौजूद हो। तो अब ये देखें हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास जो इसके साथ आंसर है वो ये है 2 8.571। जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करने के बाद जी राउंड ऑफ करने के बाद इसका जो आंसर है वो ये है
28.5। बच्चे राउंड ऑफ करने के लिए हम जो थर्ड इसकी प्लेस देखेंगे पॉइंट के बाद, वो ये है कि अगर जो ये हमारे पास जो थर्ड प्लेस में अगर यहाँ पे 5 या 5 से कुछ बड़ा नंबर होता फिर हमने 7 को 8 में चेंज करना था, लेकिन ये 5 से छोटा है तो हम इसे चेंज नहीं करेंगे, 1 है तो हम राइट करेंगे 28.57। तो यही बच्चे इसका आंसर है। तो इससे ज़्यादा मज़ीद हम इसे और जो है वो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, सिंप्लीफाई। तो डायरी देखें नेक्स्ट, वो है डायरी क्वेश्चन नंबर 9 का, आपने बी और सी पार्ट जो है आपने होमवर्क करना है, एक्सरसाइज है 4C। तो 5 क्लास आज के लिए इतना ही। तो बाकी देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी पार्ट्स हैं जो आपने खुद प्रैक्टिस करनी है घर में और अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है, और जो होमवर्क बताया गया है वो आपने होमवर्क करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।